खाला अम्मी, खाला अम्मी मैं आ गई। खाला अम्मी आप कहाँ हैं? खाला अम्मी, खाला अम्मी, हेलो हेलो खाला अम्मी, मैं घर आ गई, आप कहाँ हैं? अरे बेटा कैसी हो? बस मैं भी रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। गाड़ी जरा सी खराब हो गई थी, थोड़ी देर लग जाएगी, आ रही हूँ बस मैं। खैरियत तो है ना? अरे घबराओ मत, ड्राइवर है मेरे साथ। हाँ वो देख रहा है गाड़ी आपकी, मैं थोड़ी देर तक। फिर भी खाला अम्मी आपको जाने की क्या जरूरत थी? भाई मुझे कुछ सामान लेना था, अपनी बेटी के लिए हलवा बनाना था, आ रही हूँ बस, फिक्र नहीं करो। खाला इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता जरूरत थी? अच्छा चलें आप घर आ जाए, फिर बाकी बातें तब करते हैं। अच्छा थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। सुनो वो किचन में ना मैं पानी रखा हुआ था चूल्हे पे, जरा वो बंद कर देना चूल्हा, मैं भूल गई थी बंद करना। हाँ चूल्हा तो मैंने पहले ही बंद कर दिया था। अरे वाह तुमने तो आते ही घर संभाल लिया है। चलें आप जल्दी से घर आ जाए, फिर बातें करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। भाई जल्दी देख लो चूल्हा तुमने बंद किया। जी भाभी कैसी हैं आप? कुछ गलत किया क्या? नहीं गैस लीक कर रही है। धमाका भी हो सकता है। हेलो। हाँ हेलो, पहुंच गई खैरियत से? जी अभी पहुंची बस। और रुखसाना तो होगी नजदीक? नहीं उन्होंने तो आती खातिर में दारत शुरू कर दी। बाजार गई है बादाम का हलवा बनाना था, उसका सामान लेने। तो क्यों ना करें, तुम उनकी इतनी बड़ी मुश्किल जो हल कर रही हो। ये तो है। और नीलो वो तो होगी घर पर? हाँ अभी आई थी, बिल्कुल बदरू जैसी लग रही थी वो तो। कुछ दिन सह लो फिर लात मारकर घर से निकाल देना, कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक कह रही हैं आप। तुम्हें मैंने जो कुछ बताया याद है ना? हाँ सब याद है, फिक्र नहीं करें। ठीक है तुम आराम करो, मैं बाद में बात करूंगी। ओके बाय। खाला अम्मी,
क्या हुआ निशा? क्या हुआ बेटे? खाला, खाला। क्या बात है, डर गई? वो मैंने क्या देखा को जो हमने ख्वाब देख लिया? मैंने देखा कि वो क्या निशा, क्या देखा? चलो कुछ नहीं, आकर कुर्सी पड़ो, भूखे पेट सो गई ना इसलिए राम का ख्वाब देख लिया तुमने। मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी से मुंह धो के आ, ठीक है? डरो नहीं, घबराओ, कुछ नहीं होता। जल्दी आओ। निशा आजो बेटे, खाना लग गया, आजो लड़की जल्दी से। आगे मैं आओ, रुक क्यों गई? मैं आगे खाना। तू ऊपर नहीं थी? नहीं, वो मैं गेस्ट रूम में ही चली गई। अच्छा चलो आओ खाना खाओ, देखो तुम्हारी पसंद की कड़ी बनाई है। अरे आपने तो मेरी फेवरेट डिश बनाई है। हाँ ना, चलो बैठो। मैं भाभी को बुला लूँ खाने के लिए? मैं तुम्हारी प्लेट बनाती हूँ, आ जाओ। भाभी हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी क्या? निशा खाने के लिए बैठ जाओ, मैं साथ खाना खा लूँ। मैं भाभी को बुला के लाती हूँ। भाभी क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं आपको बुलाने आई थी। किस लिए? खाना खाने के लिए। आप आए हमारे साथ खाना खाएं? मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा फिर दो मिनट हमारे साथ यूं ही बैठ जाए। और मैं किसके साथ बैठती? मैं जब से आई हूँ आपने तो पूछा ही नहीं मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी जा रही है। कैसी हो तुम? मैं ठीक। पूछिए और कुछ? निशा, निशा तुम्हें अब जाना चाहिए। हो गई तसल्ली? जी। मैं खाना उसके कमरे में भिजवा देती हूँ। वो बाहर नहीं आती क्या? नहीं। क्यों? ये तो उसी को बेहतर बताओ। बात क्या है, आप मुझे खुल के बताए। वाकई जानना चाहती? तुम तो थी उनकी शादी में, याद होगा तुम्हें सब कुछ। किसी धूमधाम से शादी हुई थी, सब लोग कितना खुश थे, तो तुम खुद कितना खुश थे, याद है ना तुम? हेलो आप
आपने तो मुझे डरा ही दिया। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप तो वादे के बहुत पक्के निकले, जो टाइम दिया था उसी पे आ गए। देख लो वैसा आता कैसे नहीं, प्लीज जानना चलिए आप। अच्छा चले, आप जाए और जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैंने बहुत मजे का खाना बनाया, ठंडा हो जाए। ऐसे कैसे आप बैठ भी गए, चाहे जाके पहले फ्रेश तो हो जाए। अरे फ्रेश क्या होना, हम तो आपका खूबसूरत चेहरा देख कर ही फ्रेश हो गए। अच्छा दादा बातें मत बनाए, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए आप मुंह हाथ तो धोए, वरना खाना कैसे खाएंगे। मैंने अभी तक खाना खाना स्टार्ट भी नहीं किया और मैं अपने हाथ से क्यों खाऊंगा। तुम हो ना मेरी प्यारी सी वाइफ, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे मजेदार खाना बनाने के लिए। तो जब इतना प्यार करते थे एक दूसरे से तो काश काश ये मोहब्बत बरकरार रहती, न जाने किसकी नजर लग गई। दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोल दो भाई। अरे हसी भी अंधेरा क्यों किया हुआ, लाइट तो जलाओ, नजर तो आए। अरे लाइट जलाओ जल्दी। यार ना भी। अरे ये सब क्या है भाई? हाँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, इसको क्या हुआ? पता नहीं मैं इसे क्या हुआ, मैं आप ही बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। ऐसे कैसे अपने आप गिरी और बेहोश हो गई? अरे नीलो, अरे बच्चे उठो, क्या हो गया तुम्हें? नीलो जवाब तो दो। अरे तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जा जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला जाओ। मैं बस बुला के लाता हूँ। डॉक्टर एक दिन आया था, चेकअप करके दवाएं देके चला गया। उसने कोई वजह भी तो बताई होगी। कहता था ज़हनी मरीज़ है, ज्यादा खुशी उससे बर्दाश्त नहीं, उसकी नफ्स तेज चलने लगती, वो बेहोश हो जाती। तो इसका कोई इलाज? कोई खास बात नहीं, कहता वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो फिर वो वक्त आया क्या? क्या मेरा मतलब वो ठीक हुई? नसीम का एक दोस्त इंतजार नाम साइकोलॉजिस्ट है, एक रोज हमारे घर आया था। जो केस हिस्ट्री तुमने मुझे बताई है उसके हिसाब से ये केस किसी जनरल फिजिशियन का नहीं बल्कि साइकियाट्रिस्ट का। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बीवी पागल है? यार मैंने ये कब कहा है? जो कुछ भी है उसका इलाज हो रहा है। पर नसीम? और हम उसके इलाज से बिल्कुल मुतमईन हैं। ठीक है वो एक डॉक्टर है, उसे जो भी कहा होगा ठीक ही कहा होगा, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि ऐसे मरीज का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता बल्कि साथ साथ साइकोथेरेपी भी करानी पड़ती है। देखो ये कोई मूजी मर्ज नहीं है, एक आम सी बीमारी है, लेकिन इसका वाहिद इलाज ज़हनी सुकून है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे ज़हनी सुकून से दूर कर रखा है? हार मैंने ये कब कहा है? मतलब तो यही था तुम्हारा। देखो मेरे दोस्त मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रहे हैं, लेकिन ये बम जज्बात से काम लेने का नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम एक बार भाभी को मेरे क्लिनिक ले आओ। सुनो उसका इलाज अभी जारी है और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारे यकीन की दाद देनी पड़ेगी। नसीम बेटा तुम डॉक्टर की बात मान क्यों नहीं लेते? अम्मी प्लीज आप इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। और सुने नीलो अगर जाग रही है तो उसे दवा दे दीजिएगा।
बस उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। आपने ये बातें किसी को बताई क्यों नहीं? अम्मी से भी शेयर नहीं? खौफ खा जाती थी उससे। जी अम्मी, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी अम्मी, अम्मी ख्याल रखती हूँ अपना। जी मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हें आपने इसको दवा दी? नहीं, मैंने सोचा ज्यादा सो लेगी तो नहीं दी मैंने दवा। तुम्हें अच्छा है ना, सोती रहे। आपने कौन सा काम करवाना है इसे? लेकिन डॉक्टर की हिदायत पर तो अमल करना चाहिए ना। तुम बताओ कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? जी बहुत बेहतर। सुनो, अगर तुम्हें अपनी अम्मी की याद आ रही तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं नसीम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, आपको आपको ऐसा ख्याल क्यों आया? अरे इसमें खौफजदा होने वाली क्या बात है? तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हें उनकी याद तो आती होगी ना। अगर कुछ दिन उनके घर पर रहकर आ जाओगी तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, जा सकती हो तो। नहीं नसीम, नसीम मैंने अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया। नसीम हमें आप बताए ना इन्हें, मैंने अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे कुछ भी मत कहना, मुझे कोई सजा मत देना। ये लोग क्या कह रही हो तुम? आप मेरी शौहर है और ये मेरा घर है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। रिलैक्स रिलैक्स, अम्मी जाइए, जाके इंजेक्शन लेकर आइए। मैं कहती हूँ आज रहने तो। अम्मी प्लीज जाके इंजेक्शन लेकर आइए, नीलू की तबीयत खराब हो रही है। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी जाइए लेकर आइए फौरन इंजेक्शन। किसी चीज की कौन जरूरत है? अम्मी अम्मी मेरी बात सुन। क्या हो गया? नीलू रिलैक्स। कौन है? मैं देखती हूँ। हाय। अरे निशा, तुम लुकिंग सो स्मार्ट, क्या बात है? थैंक यू सो मच, तुम भी काफी दुबली हो चुकी हो। सुबह से खाला अम्मी भी यही कह रही है। और तुम स्टिल इतने प्रिम एंड प्रॉपर, जॉब से आए हो ना? आई थिंक इफ यू लुक गुड यू फील गुड। सारी बातें यहीं पे करनी है, चलो ना अंदर चल के बातें करते हैं। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई के बारे में मत पूछो प्लीज। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा इतनी देर कर दी आज? अम्मी वो आज ऑफिस में काम जरा ज्यादा था। अरे तुम ये क्या लाए, दिखाओ। ये तो मेरे फेवरेट मेकअप के ब्रांड्स हैं, मैं रख लूं प्लीज? निशा एक्चुअली कितने पागल हो तुम, बुद्धू के बुद्धू ही रहना। ऑब्वियसली मैं मजाक कर रही हूँ, तुम नीलो के लिए लाए हो उसी को दो। तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगा देती। अरे नीलो, अरे नीलो इधर आओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पानी भी नहीं गई थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इधर तो आओ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ तो कर दोगे ना नसीब? मैंने कुछ भी नहीं किया। नीलो ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम जाओ अपने रूम में, जाओ तुम रेस्ट करो। ये हैप्पीनेस होना चाहिए ना, कुछ कोई हंसी खुशी की बात होनी चाहिए। हम ऐसा कहते हैं, हम बाहर चलते हैं, नीलो को भी साथ ले चलते हैं। गुड आइडिया, मैं अभी जाके फ्रेश होकर आऊंगा। मैं अभी आ रहा हूं। हेलो मम्मी। हाँ क्या सूरत हाल है वहाँ? काफी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। क्या मतलब? बहुत लंबी स्टोरी अम्मी, मिलेंगे तो बताऊंगी। अगर कोई मुश्किल है तो कहो, मैं वहाँ आ जाऊँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आप मेरी शादी पे आएगा। ठीक है, मगर इसका क्या हल निकाला कि नीलो को उस घर से कैसे निकाला जाए? शादी के बाद तो सब कुछ मेरा ही है, आप फिक्र नहीं करें। जिसे चाहूंगी रखूंगी, जिसे चाहूंगी निकाल दूंगी। जो चाहेगा, मगर याद रखना ये असामी हाथ से न निकल जानी चाहिए। नसीम जैसे लड़के ऐसे नहीं मिल जाते। जानती हूँ, इसीलिए कोई एतराज नहीं किया। ठीक है, खुशखबरी सुनाना मुझे।
जी अल्लाह। क्या हुआ, डर गई? सोई नहीं तुम अभी तक? हम बाहर नहीं जा रहे? नहीं, वो थक के सो गया अपने कमरे में जाके। तुम भी जाके आराम करो। चले, कल वैसे भी संडे। चलो आप। डर क्यों नहीं थी है? कैसी लग रही हूँ मैं? तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझे खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। नैना बरसे रिम झुम रिम झुम, पवन करे अगन किया। तुम्हें पता तुम मुझे क्यों अच्छी लगती हो? तुम्हें पूछो, पूछो ना, पूछो। क्यों क्योंकि तुम्हारे कपड़े मुझे एकदम फिट आते हैं, ये देखो। और वैसे भी तुम जो अब मेरा ये रूप जान चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकती हूं? कैसे? ना, कभी नहीं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हो नहीं छोड़ोगे तुम? हालामी, क्या हुआ निशा? हालामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यहाँ पे तो किस चीज का डर लग रहा है भाई? मुझे लग रहा है वो नीलो नसीम को भी नुकसान पहुंचा देगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मुझे मारना चाहती थी तुम? नसीम, मुझे माफ कर दो, मैं अपने होश में नहीं थी। नीलो, ये होश में नहीं थी तुम अपने? नीलो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने सुहाग को मारने की कोशिश कर रही थी? सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तुम्हें पता है माँ क्या सोच रही? हाँ, ये लो, मुझे तो शर्म आ गई बहुत। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? तुम्हें मुझसे पूछो, पूछो ना, पूछो। क्या माँ मेरे लिए एक सहेली लाने का सोच रही है? पता है क्यों? क्योंकि हमारी शादी को अब तक 7 महीने हो चुके, लेकिन अभी तक Mm-hmm.
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। निशा बेटे, वो औरत मर्द को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तो आप ठीक रही हैं। और वैसे भी परेशान मत हो, तुम अब नसीम के दिल में अपनी जगह बना ही लोगी, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। पर जब मेरी और नसीम की शादी हो जाएगी तो नीलू का क्या होगा? नहीं रही। क्या? नसीम की यही ख्वाहिश है, समझा करो बात को। जब तुम नसीम की जिंदगी में आ जाओगी तो नीलू तो वैसे ही उसकी नजरों से हट जाएगी, उसकी बीवी होगी तो उसके दिल में जगह बनाओगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? नसीम अब तो तुम्हारी नई सहेली आ जाएगी ना, जब तुम्हारी नई सहेली आ जाएगी ना तो तुम मुझे छोड़ देना, मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना, वो तुम्हें और भी ज्यादा खुश रखेगी ना। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो नसीम। यकीन था यकीन के आएंगी ये रात कभी, तुमसे होंगे भी तुमसे हो गेंगी मुलाकात सभी, था यकीन के आएंगी ये रात। ये क्या हो गया तेरे चक्कर में? दरवाजा खोलो, मेरा तो दिल घबरा रहा है, जल्दी खोलो। लते रही पड़ गई, क्या करूं? आ रहा आ रहा हूं मैं, रुके दो मिनट। हाला में कोई चाबी नहीं है? हाँ, एक सेकंड में चाबियां लेकर आती हूँ। खोल, अरे कहाँ रख गई? हाला में। हाँ, क्या हुआ? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी वो नीलू का अचानक से दौरा पड़ गया था, पर आज का दौरा तो कुछ ज्यादा ही शदीद था, जैसे मुझ पर हमला कर दिए। देखें, तुम तो ठीक हो ना? क्या हमला, तुम्हारे तो सर से खून निकल रहा है। अम्मी मैं अभी इसे इंजेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी देर में उसको आराम आ जाएगा, आराम से सो जाएगी। आप जाएं, आप भी जाके सो जाएं। नहीं मैं देखू, मैं संभाल लूंगा, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने अपने बच्चे को किस अजाब में डाल दिया। प्लीज आप जाएं, सो जाएं, इसे लेके जाओ। देख लो ना बच्चे। सुना मेरी माँ ने क्या कहा? उफ अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया मैंने अपने बेटे को। सुन, क्या फायदा हुआ तेरे चीखने चिल्लाने का, यूं मचलने का? अब मैं तुझे लगाऊंगा ये इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन तुझे बना देगा वाकई में ज़हनी मरीज़ा। ये सीधी बैठी रह, चल बैठी रह। तुम्हें जरा भी डर नहीं आता अपनी माँ? अच्छा नाटक कर रही थी तू मेरी माँ के सामने। मैंने तुझे मना किया था ना। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मेरी माँ को मुझ पर शक हो। मना किया था ना, बोला था ना, मगर तू बाज नहीं।
वो कुछ नहीं था, मेरी दीदी को कुछ नहीं, मेरे यतीम को कुछ नहीं था तुम्हें, कुछ नहीं था तुम्हें। अभी क्या कर रही थी मेरी माँ के सामने, अभी क्या कर रही थी मेरी माँ के सामने? ले लो ले लो, रिलैक्स। अम्मी जल्दी आए, अम्मी नीलो की तबीयत खराब हो रही है, दौरा पड़ रहा है इसको, अम्मी प्लीज जल्दी आइए। शर्म नहीं आती तुम मर्द हो। नफरत है मुझे मर्दों से और उनकी मर्दानगी से, मुझे नहीं बोलनी मर्द। तुम कब तक ये थोड़ी जिंदगी जीते रहोगे, कब तक अपनी भोली माँ को धोखा दोगे, कब तक उस लड़की पर जुल्म करोगे? यू आर मेंटली रिटार्डेड, डू यू नो दैट? मर्द बनो, मर्द बनो। नसीम, ये सब क्या है? नसीम, ये क्या मजाक है? घूंघट तो उठाओ ना। नसीम दरवाजा खोलो, कैसा शोर है ये? नफरत है मुझे मर्दों से और उनकी मर्दानगी से, मुझे प्यार है तो बस औरत से और उसकी नजाकत से। देखा तुमने इस पागल लड़की का हाल, देखा तुमने इस... मेरा बच्चा तो मौत से खेल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। निशा सुनो मेरी बात, तुम्हें चाहे जल्दी हो ना हो, मुझे बहुत जल्दी, तुम कल ही अपनी मम्मी को फोन करो, उससे कोई यहाँ आ जाए। मैं तुम्हारी और नसीम की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है मेरी बच्ची? नहीं।